तो सवाल ये है, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि चार प्रमाणिक संप्रदाय हैं, तो उन प्रमाणिक संप्रदायों के उनके अपने प्रमाणिक ग्रंथ भी होंगे, तो क्या उनको पढ़ा जा सकता है? दोनों के उत्तर हाँ हैं कि प्रमाणिक संप्रदायों के प्रमाणिक ग्रंथ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, और उसको पढ़ा भी जा सकता है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन एक संस्कृत का शब्द है मर्यादा व्यतिक्रम, कि आपने मर्यादा लंघन तो नहीं किया। मर्यादा लंघन करने का मतलब है कि जिन आचार्यों की दया से आप भक्ति में आए, आप यहाँ तक पहुँच गए, हमारे लिए वो श्रील प्रभुपाद हैं। क्या हमने श्रील प्रभुपाद का ऋण उतारा? हम प्रभुपाद का ऋण कैसे उतार सकते हैं? हम प्रभुपाद का ऋण तीन काम करके उतार सकते हैं। वो तीन काम अगर नहीं कर रहे तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम जाके दूसरे संप्रदाय की पुस्तकें पढ़ें। हम पहला कार्य है कि हमने क्या प्रभुपाद के सारे ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ा है बार बार कि नहीं पढ़ा। दूसरी बात है कि क्या हम प्रभुपाद की शिक्षाओं पे अपना जीवन चलाने की प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। परफेक्ट है या नहीं है उसकी बात नहीं हो रही, प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे उसकी बात कर रहा हूँ। और तीसरी बात यह है कि क्या हम प्रभुपाद की शिक्षाओं का प्रचार करने की हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हमने ये तीन काम अगर हम नहीं कर रहे तो फिर हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम जाके वो पुस्तकें पढ़ें। हमें उन ग्रंथों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। अब सवाल ये आता है कि जो दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा कि जो अलग अलग जो गुरु हैं वो अलग अलग तरह से दीक्षा दे रहे हैं, तो क्या अलग अलग गुरु से अलग अलग दीक्षा जो लोग ले रहे हैं, क्या उससे आपके गंतव्य आपकी भक्ति पर कुछ असर हो रहा है, होता है कि नहीं होता? तो अगर हम बात करें चार प्रमाणिक संप्रदायों की, तो ये जो चार प्रमाणिक संप्रदाय हैं इसके अंदर हम कहीं किसी से भी अगर हम दीक्षा लेते हैं तो हम भगवत धाम पहुँच सकते हैं, अगर हम निष्ठापूर्वक उसका पालन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। लेकिन लेकिन हमें ये देखना है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय में आए हैं, तो हमें पता चलेगा चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आए, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में। और हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु करने क्या आए थे, तो हमें पता चलेगा चैतन्य महाप्रभु वो भक्ति का वो आभूषण जो बेशकीमती सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट कभी किसी ने नहीं दिया आज तक, महाप्रभु उस खजाने को महाप्रभु अनायास बिना किसी धन के बिना कुछ लिए महाप्रभु देने के लिए आ गए। और वो क्या है? वो वैकुंठ को रिजेक्ट कर रहा है। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा, कि मोक्ष तो चाहिए नहीं, कि चलो जन्म मृत्यु से छूट गए, मोक्षम वदिम वा। मोक्ष अवधि का मतलब है कि वैकुंठ ही पहुंच गए। अरे वैकुंठ भी नहीं जाना हमने, हम नहीं जाना चाहते वैकुंठ। तो क्या करना चाहते हो? तो महाप्रभु ने बताया कि हम विरह के अंदर हम भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, जैसे गोपियों ने की, जैसे श्रीमती राधा रानी ने की। उन गोपियों की सेवा भाव महाप्रभु देने आए हैं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना पा रहे हम, मैं नहीं दे सकता, मैं आपका कर्जा नहीं उतार सकता भाई, मेरे पास क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है मेरे पास आपका कर्जा उतारने की। वो महाप्रभु देने आए हैं। कहाँ आए वो? वो ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय में आए। इसीलिए
जो हमारा गौड़िया संप्रदाय है, जो शिल प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं, वो सर्वोपरि हैं। तो वैकुंठ जाना है, चारों में से कहीं से भी जा सकते हो, लेकिन अगर भगवान को अपने वशीभूत करना है, अगर कृष्ण को अपने प्रति आकर्षित करना है कि कृष्ण बोले भाई मैं नहीं उतार सकता आपका कर्जा, तो फिर चैतन्य महाप्रभु के आपको पीछे चलना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार उनके प्रतिनिधि कि जो पाद रजोभिषेकम, उनकी जो चरण रज है अपने सिर पे धारण करनी पड़ेगी, तो जाके सर्वोच्च पद मिलेगा। उस समय हम वैकुंठ को ठोकर मार देंगे, अरे नहीं चाहिए भाई वैकुंठ, क्या करेंगे वैकुंठ में, हमें नहीं चाहिए। हम वो वस्तु जो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, कि उद्धव जी ने बोल दिया भगवान कृष्ण के साथ रह रहे हैं, भगवान कृष्ण के सखा हैं, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। वो उद्धव जी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ब्रज में घास का तिनका बना दो, ताकि मुझे मसल के मेरे सिर पे पैर रख के गोपियाँ और ब्रजवासी जब चलेंगे तो सोचूंगा धन्य हो गया। वो भाव कहाँ मिलेगा? वो भाव हमें शिला प्रभुपाद के अनुगत्य के अंदर मिलेगा, उससे बाहर दिखाई नहीं देगा। इसीलिए चार प्रमाणिक संप्रदाय तो हैं, लेकिन हम प्रभुपाद के पीछे चलेंगे, क्योंकि प्रभुपाद हमें चैतन्य महाप्रभु के पास लेके जाएंगे और उनकी दया से हमें ये भाव प्राप्त हो जाएगा। उनकी दया से हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि भगवान हमारे सामने होंगे और हम विरह का अनुभव कर रहे होंगे भगवान से। ये भाव कहीं नहीं मिल सकता, केवल और केवल प्रभुपाद के शरण लेके मिलेगा ये भाव। तो एक प्रश्न ये है, किसी ने चैट में लिख के भेजा है, तो क्या इसका मतलब रामायण पढ़ना हमारे लिए मैंडेटरी, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? रामायण संक्षिप्त रूप में भागवतम के अंदर भी दे रखी है, आप उसको भी पढ़ के वही रस का आस्वादन कर सकते हो, 9वें अध्याय में है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज ने भी रामायण का अनुवाद किया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही शिक्षाप्रद है, और उसको पढ़ के आपको गौड़िया वैष्णव सिद्धांत और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप पढ़िए उसको, हम ये नहीं कह रहे कि रामायण पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हम बोल रहे हैं कि आपको वो रामायण पढ़ने के लिए पहले जो प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, पहले उसको पढ़ना आवश्यक है। आप पहले प्रभुपाद का ऋण उतारिए, उसको पढ़ के उनके ग्रंथों को, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतार के, जब आपको गौड़िया वैष्णव सिद्धांत कुछ समझ में आ जाए, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, भागवतम पढ़ोगे, भगवद गीता पढ़ोगे, आपको कुछ समझ में आएगी वैष्णव सिद्धांत की, फिर आप रामायण पढ़ोगे तो और अधिक आप उसको रैलिश, उसका रसास्वादन कर पाओगे। आप, हम लोग भी रामायण पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, मैं तो रामायण के ऊपर ही बोल रहा हूँ ना। तो जब हम रामायण को हम गौड़िया वैष्णव सिद्धांत के चश्मे से, उसके दृष्टिकोण से जब पढ़ते हैं, तो बात ही कुछ और निकल के आती है उसकी, इतना सुख मिलता है उसको पढ़ के, जब हम गौड़िया वैष्णव सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखते हैं। वो सुख लेने के लिए पहले वो दृष्टिकोण विकसित करना पड़ेगा, और वो एक दो दिन में नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है, वो समय लगाइए, बात बन जाएगी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।